उत्तराखंड राज्य को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए चारधाम यात्रा में भी अब इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रयोग और संचालन को बढ़ाने पर ध्यान दिया जाएगा। इसी के तहत आरटीओ अधिकारी सुनील शर्मा ने बताया कि इस बार इलेक्ट्रिक वाहन चाहे वो कमर्शियल हो या निजी हो, उन्हें चारधाम आने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसके अलावा चारधाम यात्रा के रूट मार्ग पर 28 इलेक्ट्रिक स्टेशन लगाने की भी व्यवस्था की जा रही है। इसके लिए नोडल एजेंसी GMVN को बनाया गया है। आगे आरटीओ अधिकारी ने बताया कि चार्जिंग स्टेशन की संपूर्ण जानकारी लोग ऐप के माध्यम से ले सकेंगे। आपको बता दें कि फरवरी 2018 में संभागीय परिवहन प्राधिकरण की बैठक में वाहनों से लगातार बढ़ रहे प्रदूषण पर चिंता जताई गई थी, जिसके बाद पर्यावरण संरक्षण के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसी कड़ी में अब देहरादून में इलेक्ट्रिक वाहनों को लेकर लोगों में उत्साह देखने को मिला और वाहनों की संख्या भी बढ़ी, लेकिन अब तक एक भी ईवी चार्जिंग स्टेशन नहीं बने। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। जी, इस बार चारधाम यात्रा में एक नई पहल की जा रही है, जिसके अंतर्गत जो इलेक्ट्रिक वाहन है, चाहे वो कॉमर्शियल हो प्राइवेट हो, उनको चारधाम यात्रा में आने के लिए प्रमोट किया जा रहा है। इसके अंतर्गत पूरे चारधाम यात्रा रूट में हमारे द्वारा 28 चार्जिंग स्टेशन लगाए जाएंगे और इसके लिए जो नोडल एजेंसी डिसाइड की गई है वो है GMVN। GMVN के माध्यम से रुड़की, हरिद्वार, ऋषिकेश, देहरादून, टेहरी, उत्तरकाशी, चमोली, श्रीनगर और रुद्रप्रयाग, यहाँ पर 30-30 से 35 किलोमीटर के दायरे में हमारे चार्जिंग स्टेशन लगे होंगे।